शिवपुरी के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी मयंक अग्रवाल का अंडर 19 स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। खास बात तो यह है कि मयंक बोल सुन नहीं सकते और उन्हें इशारे की भाषा से फुटबॉल के टिप्स सीखे, जबकि उनका चयन सामान्य वर्ग के खिलाड़ियों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हुआ है। उसके बाद क्षेत्रीय सांसद केपी यादव ने केंद्रीय खेल एवं युवा राज्य मंत्री किरण रिजिजू को ट्वीट किया और मयंक की ट्रेनिंग के लिए बेहतर सुविधाएं दिलाने की मांग की, क्योंकि ग्वालियर संभाग में सिर्फ मयंक ही ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कूल साले राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। जाहिर है मयंक होना खिलाड़ी है, इससे पहले भी वो कई बार फुटबॉल मैच में अपने खेल का लोहा मनवा चुके हैं और अब अंडमान निकोबार में होने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। परिजनों ने कहा छात्र की इस उपलब्धि को लेकर खुशी का माहौल है। शिवपुरी से देवेश सेन की रिपोर्ट। नाम क्या है? मयंक अग्रवाल। अच्छा, ये तुम्हारा चयन हुआ है नेशनल के लिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या करना चाहते हो फुटबॉल में, कहाँ तक जाना चाहते हो? आगे फुटबॉल खेलो और बहुत अच्छा। अभी कितने देर खेलने जाते हो? क्या नाम है आपका? अब्दुल रज्जाक खान। रज्जाक भाई, आपके एक फुटबॉल खिलाड़ी जिसको आप कोचिंग दे रहे थे, जी हाँ, उसका राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है, हाँ हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे तो अच्छा खेलता है वो। किस पोजीशन पर खेलता है? सेंटर फॉरवर्ड राइट इन। अच्छा, ये भी बताया गया है कि वो पूरी तरह से मुख वगैरह सुन नहीं पाता। सुन भी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता। हाँ, तो किस तरह से आप उसे कोच करते हैं? इशारों से। इशारों से ही आप उसे समझाते हैं? इशारों से समझाते। अच्छा, क्या देखते हैं आप उसमें, किस तरह की क्वालिटी देखते हैं? भविष्य को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत आगे खेलेगा वो तो। मैं तो ये चाहता, मैं मयंक अग्रवाल का राष्ट्रपति चयन हुआ है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो मैं बताऊँ आपको, मूक बधिर होने के नाते भी उस राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले उसने कई तरह की प्रतियोगिताएँ क्वालिफाई की जाती हैं, उसके बाद वहाँ तक पहुँच पाता है। सबसे पहले इसने ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया, ब्लॉक में चयन होने के बाद ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता में खेला, जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के बाद ये संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में खेला, संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेला, जो कि छिंदवाड़ा में अभी अभी संपन्न हुई है। उस प्रतियोगिता में ग्वालियर संभाग से 5 या 6 छात्रों का चयन किया गया था स्टेट के लिए, उसमें मात्र एक मयंक अग्रवाल ही एक ऐसा छात्र जिसका राष्ट्र चयन हुआ, वो मूक बधिर होने के बावजूद भी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है शिवपुरी जिले से तो ये पहला प्रकरण है कि ऐसा कोई छात्र राष्ट्र पर खेलने गया है। अब उसके बाद उसकी प्रतिभा को और निखार देने के लिए आप क्या करेंगे कि वो उसकी प्रतिभा के निखारने के लिए शासन स्तर से जो भी योजनाएं होंगी उसके लिए उसका पूर्ण सहयोग करेंगे हम। एक दूसरी बात जो है, उसके राज्य स्तर तक खेलने के लिए भी हमने उसको पहले भी उसको पूर्ण सहयोग किया है। कल्लू उस्ताद एवं हमारे रज्जा उस्ताद, जो कि फुटबॉल का निःशुल्क प्रशिक्षण गांधी पार्क में देते हैं, उन्होंने पूर्ण रूप में अन्य छात्रों के साथ साथ ऐसे छात्र को भी कोऑपरेट किया जो कि केवल इशारों से ही फुटबॉल को सारे फाउल वगैरह देख के समझता था, और उसे इस स्तर तक पहुंचाया कि उसका चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। और बालक की भी हम यह विशेषता रही है कि वो 3 या 4 साल से लगातार उसकी रुचि थी फुटबॉल में, लगातार प्रैक्टिस कर रहा था और स्टेट तक वो पहले 2-3 बार खेल चुका है यहाँ है, और इस साल उसने राज्य स्तर पर चयन करके उसकी प्रतिभा का निखार आया। उसके लिए हम पूर्ण सहयोग करेंगे, उसकी सफलता के लिए मनोकामना कह देते हैं। अर्चना अग्रवाल। अच्छा, ये आपके बेटे का चयन हुआ है नेशनल के लिए, जी कैसे पता पड़ा आपको, कैसे सूचना मिली? हमें अपने यहाँ के जो खेल अधिकारी हैं महेंद्र सिंह तोमर जी, उनके द्वारा सूचना मिली थी। अच्छा, ये बच्चा जो है जो जन्म से मूक बधिर है जी, उसके बावजूद इसका सामान्य टीम में चयन हुआ अंडर 19 में जी, तो कैसे ये इसमें इतनी प्रतिभा, कैसे आपको पता लगा कि इसमें इतना जुनून है फुटबॉल के प्रति? ये छोटा था तो खेलने तो ये शुरू से जाता था, छोटेपन से ही पोलो ग्राउंड में खेलता था ये, पहले छोटे में ये क्रिकेट खेला करता था और उसके बाद ये ग्राउंड में ही बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देखता था वहाँ पर, तो इसको अपने आप में ऐसा लगा कि मैं भी फुटबॉल खेलूँगा, घर पे आके जिद करता फुटबॉल के लिए, फिर हम इसको फुटबॉल दिला दिए तो ये घर में ही खेलता रहता, फिर ऐसे ही बच्चों के साथ में ये ग्राउंड में खेलते खेलते इसको फिर पूरा रुझान इसका फुटबॉल की तरफ ही हो गया। कितने वर्षों से फुटबॉल खेल रहा है? ये करीब इसकी उम्र 9-10 साल के करीब थी जब से ये फुटबॉल ही खेल रहा है। अच्छा, इस बार इसका नेशनल के लिए चयन हुआ है, इससे पहले इसने कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है? इससे पहले ये 2017 में सिवनी गया था स्टेट की तरफ से खेलने के लिए, स्टेट लगी थी उस समय इसकी, सिवनी में गया था। और अब की बार स्टेट कहाँ हुई थी? अब की बार स्टेट इसकी छिंदवाड़ा में हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये अब नेशनल के लिए कहाँ जा रहा है? अब ये नेशनल के लिए अंडमान निकोबार जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए किस तरह की अभी कोई सरकारी सुविधाएं मिली हुई हैं? नहीं, अभी इसको कोई सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं मिला है, ये अपना पर्सनली जाता है ग्राउंड पर
और वहीं पर इनके जो कोच है वही इसको सिखाते हैं। हाल ही में क्षेत्रीय सांसद के पी यादव ने ट्वीट करके मांग की है खेल मंत्री से कि खेल की जो प्रतिभा है इनमें उनको आगे बढ़ाया जाए और सरकारी मदद दी जाए ट्रेनिंग के लिए, तो आप क्या उम्मीद करती हैं आगे? हम तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि अब चूंकि बच्चे में प्रतिभा दिख रही है सबको, तो इसको सुविधाएं तो मिलनी चाहिए अपने यहाँ से। अच्छा ये बताइए कि ये जुनून है इसका जो इसमें किस तरह से आपने इसमें देखा, क्या इसकी कुछ खास बात हो बताइए? इसका जुनून तो ये समझ लीजिए आप कि ये जैसे ग्राउंड पर जाता है जब खेलने के लिए, छोटेपन से ही जब से भी ये जा रहा था इसके चोट लग जाती ग्राउंड पर, खून भी आ जाता हाथ में पैर में, कहीं भी घर पे आके ये छुपा लेता उन चोटों को, हमें बताता नहीं कभी भी ये, और हम पूछते बाद में हमें पता लगती कि ये कहाँ से लग गई, तो ये हम सोचता कि ये मैं बता दूंगा तो ये मेरे को फुटबॉल खेलने जाने नहीं देंगे। इसको ये थोड़ा सा अंदर से डर था कि ऐसा ना हो कि मम्मी पापा मुझे रोक लें फुटबॉल खेलने से, तो ये हमें बताता नहीं था कभी भी चोट के बारे में, और अपने आप ही बस दवाई ववाई लगा के और सोचता कि ऐसे मैं ठीक कर लूँ किसी को पता ना लगे, मोबाइल पर देखता रात में अपने सोते समय, लेकिन ये देखता जरूर उन मैचों को, देख देख के भी सीखने की कोशिश करता है ये हमेशा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।